So let us start the lecture. Okay. So as per the schedule, you are having the introduction to the 12th standard physics syllabus in today's lecture, right? So आज के लेक्चर में हमको ये देखना है कि 12th standard का जो आपका physics का जो syllabus है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमको देखनी है और कौन से 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के साथ ये सभी चैप्टर्स 12th के चैप्टर्स कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से वो चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है तो वो भी हमको इसमें देखना है. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंडेक्स ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस. Yes, this is your textbook. तो अभी देखो तो पूरा सिलेबस है तो वो एक ऑलमोस्ट 6 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट यूनिट मतलब यूनिट वाइज अगर बात करते हैं क्योंकि यूनिट्स के एक यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स है, मतलब एक दो तीन चैप्टर्स जो है वो इंक्लूडेड है. जैसा कि अब अगर हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं तो उसमें रोटेशनल मोशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जैसा कि लास्ट ईयर हमने अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स स्टडी किया था, बराबर. तो अभी इस 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपको स्टडी करने हैं. फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स, तो लिक्विड्स का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको स्टडी करने हैं एंड रोटेशनल मोशन ऑल्सो वी हैव टू स्टडी. देन सेकेंड यूनिट कंपोज्ड ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, विच इज द कंप्लीट हीट सेक्शन. हीट के साथ रिलेटेड ये पूरा जो टॉपिक है. तो अभी इसमें देखो एक बात कि रोटेशनल मोशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है आपका टॉपिक पूरा, तो वो आपका 11th स्टैंडर्ड का जो मैकेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बेस्ड है. और इवन आपका जो अभी लॉज ऑफ मोशन जो चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन, तो दैट इज ऑल्सो इज जस्ट बेसिक फॉर दिस चैप्टर्स और फॉर दिस यूनिट. तो ये यूनिट प्रिपेयर करने के लिए आपको लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स ये जो है वो दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर करने पड़ेंगे जो 11th स्टैंडर्ड में आपके है. ओके, उसके बाद आ जाता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो ये थर्ड यूनिट है. इसके अंदर भी दो चैप्टर्स है एक्चुअली, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. तो ये इसके अंदर हमको पूरा वेव्स के बारे में और ऑसिलेशन के बारे में स्टडी करना है. इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है. ये दिस इज द फोर्थ यूनिट वी कैन से. देन कम्स टू मैग्नेटिज्म, सो दिस इज द नेक्स्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट वी कैन से, जिसके अंदर हमको मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हमको स्टडी करना है. एंड देन कम्स टू सिक्स्थ यूनिट विच इज नथिंग बट द मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमको जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है फिजिक्स के अंदर का, वो एक्चुअली स्टडी करना है. अभी आ जाते हैं चैप्टर्स के ऊपर. तो चैप्टर्स की अगर बात करते हैं तो टोटल आपके 16 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं, जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट 11th स्टैंडर्ड में भी ऑलमोस्ट उतने ही थे, एक आध दूसरा आगे पीछे हो सकता है, बट वी हैव टू स्टडी 16 चैप्टर्स इन ऑल. सो द फर्स्ट वन इज नथिंग बट रोटेशनल डायनामिक्स. Okay, so if you just see this chapter, rotational dynamics, तो इसी chapter के अंदर actually देखो ठीक से, if you just talk about rotational dynamics, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो laws of motion इस chapter के अंदर जो भी आपने study किया है, जैसे कि Newton's first law, ठीक है, देन न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ,
ठीक है, ये सारे जो लॉज आपने स्टडी किए हैं वही आपको सारे लॉज जो है वो आपको एक्चुअली रोटेशनल मोशन के अंदर हमको ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। तो रोटेशनल मोशन के अंदर भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि एनी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स। सो इन द सेम वे हियर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन रोटेशनल मोशन ऑल्सो टेल्स अस दैट एनी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, जस्ट लाइक अ टॉप। तो जैसे हम देखते हैं ना टॉप जो होता है, टॉप को अगर हम सपोज एक बार अगर घुमा देते हैं तो वो हमेशा के लिए और चलो बहुत लंबे समय तक घूमता रहता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली द रोटेशनल इनर्शिया वी कैन से। ये जो यस, तो रोटेशन मोशन के अंदर हमको यही देखना है कि देखो रोटेशन मोशन के अंदर जो तीनों लॉज हमने देखे हैं वही हमको ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है, फॉर द रोटेशनल मोशन। दैट इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर वी कैन सी। और याद रखो ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करने के लिए जो 11th स्टैंडर्ड का काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन प्लेन वाला जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और दूसरा जो कि वेट अ मिनट, यस ओके, सो बेसिकली दिस विल बी द ये, तो ये जो बता रहा था कि ये चैप्टर के लिए आपको मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चल रहा है ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एक्चुअली दिस चैप्टर इज ऑल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर विच वी ऑलरेडी सीन इन द 11th स्टैंडर्ड, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज और फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज जो है वही कंटिन्यूएशन उसका है। उसके बाद आ जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसके अंदर भी हमको हीट रिलेटेड पूरा जो है वो हमको देखना है। और ये वाला चैप्टर आपका एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है आपका 11th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है तो उसका कंटिन्यूएशन एक्चुअली है, ठीक है। तो वो बेसिक है उसके लिए। और इवन थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो इज जस्ट, अभी ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो आपका एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर भी आपको है और फिजिक्स के अंदर भी है। तो इसलिए एक ही चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपका केमिस्ट्री के अंदर भी आपके कंसेप्ट उसमें आ जाते हैं और फिजिक्स के अंदर भी आपका वो प्रिपेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर दोनों तरफ है। लेकिन अभी चलो ठीक है, एक ओरिएंटेशन उसका अलग है। केमिस्ट्री के अंदर हम थोड़ा रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उसको पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंदर हमको वो गैस के जो लॉज है उसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना होता है। देन अगेन कम्स टू ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन इज अनदर चैप्टर। इसके अंदर भी हमको जो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, वाइब्रेशन जो होते हैं, किसी भी वेव कोई भी वेव जो होता है तो उस वेव के बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है वो हमको इस ऑसिलेशन के अंदर स्टडी करने हैं। तो बहुत डिटेल में हमको स्टडी करना है ऑसिलेशन के अंदर। और ऑसिलेशन करने के लिए आपका मैथमेटिक्स जो है, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो डेरिवेटिव और साथ साथ उसका जो इंटीग्रेशन जो पार्ट है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये दोनों जो पार्ट्स है मैथमेटिक्स के अंदर के, वो आपको बहुत अच्छी तरह से किए होने जरूरी है, जो कि आपका 11th स्टैंडर्ड में आपने वो मैथमेटिकल मेथड्स जो चैप्टर है उसके अंदर आपने वो टूल्स डेवलप किए हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर्स है। तो वो चैप्टर आपके लिए वो बेसिक रहेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब ये चैप्टर जो आपका है वो एक्चुअली साउंड का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है। साउंड के अंदर जो भी हमने आप देखा है ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, तो वो उसका ही कंटिन्यूएशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर। तो नेक्स्ट इज अबाउट द वेव ऑप्टिक्स। तो इस वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर भी आपको ऑप्टिक्स के बारे में ही स्टडी करना है, मतलब आपको स्टडी करना है लाइट के बारे में ही, लेकिन थोड़ा ओरिएंटेशन अलग रहेगा। जबकि हमने 11th स्टैंडर्ड में हमने रे ऑप्टिक्स स्टडी किया है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी लाइट को एक रे के फॉर्म में ट्रीट करके उसका अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसका लेंस इक्वेशन, लेंस मेकर्स इक्वेशन, मिरर्स, वो सब हमने किया। बट अभी वेव ऑप्टिक के अंदर हमको लाइट के जो कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जैसा कि इंटरफ्लुएंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डबल रिफ्रैक्शन, ये सारे जो फिनोमेना है वो हमको इसमें डिटेल में स्टडी करने हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन
is the continuation of the chapter electrostatics, which you already have studied in the 11th standard. Okay, तो 11th standard में जो हमने electrostatics study किया है, उसका ही continuation, मतलब जहाँ पे electrostatics 11th standard का खत्म होता है, वहाँ पे ही present का electrostatics start होता है. तो उसके लिए वो basic ही है, जरूरी है जरूर. और current electricity also is the same name actually, but it is just a continuation of the chapter current electricity, which already we have in the 11th standard. Actually, 11th standard में आपका उसका जो नाम है वो electric current through conductors ऐसा है. और फिर magnetic fields due to electric current, ये complete नया chapter आपके लिए है होगा, जिसके अंदर आपको electric current के जो magnetic fields होते हैं, जैसे कि Oersted experiment के अंदर आपने देखा होगा कि whenever the current flows through the wire, it produces a magnetic field around it. And because of that, the magnet starts moving or deflecting due to that magnetic field. So, ये जो phenomena है, वो और ज़्यादा detail में elaborate किया है इस chapter के अंदर. Then comes to magnetic materials, which is again a continuation of your magnetism, which is there in your syllabus in of 11th standard. तो 11th standard में जो magnetism है, उसका ही continuation magnetic materials है. Then electromagnetic induction. This is again a new chapter for you, in which the electricity and magnetism, the relationship between these two is studied in more detail. ठीक है, जो electricity, electrostatics और magnetism के बीच में जो connection है, वो बहुत detail में इसमें study किया जाता है. And AC current is also just based on the same thing, that is electromagnetic induction के ऊपर ही वो based है, उसका continuation है बोल सकते हैं आराम से. Then comes to the dual nature of radiation and matter. तो मैटर का ड्यूअल नेचर, मतलब जैसे आप जानते हो कि लाइट कैन बी कंसिडर्ड एज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स. तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आपने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा होगा कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होल्ड्स ट्रू फॉर लाइट, बट हाउ इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द पार्टिकल्स एंड ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स इन द नेचर विल बी सीन इन दिस चैप्टर. एंड देन कम्स टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई. ये चैप्टर भी एक्चुअली आपका जो बहुत बेसिक चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है कि एटम के अंदर जो उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब एटम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी तुमने केमिस्ट्री में स्टडी किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा केमिकल, मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी किया था, बट एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई. एंड लास्ट चैप्टर विच इज सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस, विच इज जस्ट अगेन अ कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर सेमी कंडक्टर्स, which we already have in the 11th standard. तो 11th standard में जो आपका semiconductors chapter है, उसका ही continuation ये chapter actually है, semiconducting devices. Okay, so that's it about the introduction. And बहुत ज़्यादा interesting ये syllabus रहने वाला है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे जो natural phenomena होते हैं, तो उसका answers आपको मिल जाएंगे physics के अंदर. एंड बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स भी जिनको आता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये पूरा सिलेबस रहने वाला है. ठीक है, और जैसा कि न्यूमेरिकल्स आप जानते ही हो कि जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो पूरा चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब पूरे चैप्टर्स के अंदर जो कंसेप्ट हमने स्टडी किए हैं, तो उसके ऊपर वो बेस्ड होते हैं. और वो एक एक न्यूमेरिकल जो है वो बहुत सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड मतलब बोर्ड ने जो ये टेक्स्ट बुक बनाया है, तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने जो न्यूमेरिकल्स डाले हैं वो बहुत सोच समझ के और बहुत छान करके डाले हैं. तो इसलिए उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इज यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड हेंस इट इज वेरी वर्थ टू सॉल्व इट. एंड इवन टेक्स्ट बुक के अंदर जो हर एक सेक्शन में जो दिया है, जैसे कि इंटरनेट माई फ्रेंड या डू यू नो सेक्शन, या बीच बीच में जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. और बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो इन ओवरऑल जस्ट एंड इवन एक्टिविटीज आल्सो देयर, सम एक्टिविटीज आर आल्सो देयर सो एज टू बिल्ड अप योर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स. एंड इवन रिमेंबर दिस, ये भी एक तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन जो होता है, मतलब जो एडिशनल पोर्शन जो है, तो वो भी आपको इसमें से मिल जाता है आराम से. So this is all about the your physics syllabus and overall this whole 12th standard physics syllabus here. Okay. चलो ठीक है. So this is all about the
इंट्रोडक्शन टू योर सिलेबस। एंड बाकी रही बात की प्रिपेयर करने की, तो प्रिपेयर करने के लिए आप जो है 11th स्टैंडर्ड का जो आपका अभी सिलेबस है तो वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करते रहो, जिसके अंदर उसके ही वहाँ के ही जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर। तो जो 11th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स है तो उसका ही कंटिन्यूएशन 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स के अंदर आपको मिलेगा जरूर। तो 11th स्टैंडर्ड में से अगर देखा जाए, ओवरऑल ब्रॉड साइज में अगर देखा जाए, तो एक तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, अगेन मेथड्स ऑफ इंडक्शन, मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स। तो ये दो चैप्टर्स है वो बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है पूरे फिजिक्स के लिए। उसके बाद जो ये दो चैप्टर्स है मोशन इन प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये एक्चुअली ओवरऑल मैकेनिक्स वाले के जो चैप्टर्स है यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स है उनके लिए एक जैसे कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। देन अगेन द साउंड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड ग्रेविटेशन ऑल्सो फॉर्म्स अ वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक चैप्टर्स फॉर स्टडिंग द 12th स्टैंडर्ड। एंड ऑल्सो द पार्ट टू के अंदर जो है जैसे कि ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सेमी कंडक्टर्स, ऑल दिस चैप्टर्स ऑल्सो आर जस्ट बेसिक चैप्टर्स विच आर ऑल द चैप्टर्स इन 12th स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन। तो ये सब हमको इसमें देखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर। वी विल जस्ट अभी प्रशांत पूछ रहा है कि विल दिस रिड्यूस्ड सिलेबस फॉलोड फॉर 12th फॉर योर बैच और नॉट। तो आपके बैच के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता एक्चुअली। आपका सिर्फ 11th के लिए आपका रिड्यूस्ड सिलेबस अप्लाई किया हुआ है, बाकी 12th के लिए कुछ बोल नहीं सकते। Yes, so we'll just start 12th standard के lectures जो है वो अभी इस week में ही आपके start हो जाएंगे। अभी physics का introduction तो हो गया है, कल शायद chemistry का introduction हो जाएगा, chemistry का 12th standard का introduction। And जैसे introduction हो जाता है तो उसके बाद के जो lectures रहेंगे वो chapter के ही lectures रहेंगे actually, ठीक है। So इस week के अंदर ही सारे chapters सारे subjects का introduction होके 12th standard का start हो जाएगा, no doubt. ओके okay.